हमारी व्यक्तिगत बात आमने सामने ओमी कालानी से नहीं हो सकती है, इसके लिए हमें ओमी कालानी जी से फोन लगाया। ओमी कालानी जी, हमें ये बताइए कि आज उल्लास नगर सुरक्षित रहे उसके लिए आपने जो अभियान चालू किया है, नेहरू चौक और शिवाजी चौक पे जो सीसी कैमरा का लगाने का जो कार्यक्रम आपने तय किया है, उससे शहर की जनता को क्या फायदा होगा और आप उस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो आमतौर पे देखा जाता है कि कोई भी दुर्घटना होती है, क्राइम होती है, तो लोग पुलिस के ऊपर एलिगेशन देते हैं कि भाई पुलिस हमारी चौकन्नी नहीं है। पुलिस का तो ठीक है मिस्टेक, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को एक खुद को अपने आप को सुरक्षा देना ये हमारा खुद का कर्तव्य है। हम खुद अगर अलर्ट रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे, तो हम खुद, हमारे परिवार, हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे। ये जो सुरक्षा अभियान है, ये सीसी कैमरास का अभियान है। आमतौर पे लोग देखा जाए तो लोगों में ये होता है कि 50,000 खर्चा है, 60,000 खर्चा है, व्यापारी एसोसिएशन है तो 20 दुकान है, 30 दुकान है, कौन निकालेगा पैसा, या बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में जो जहाँ पे लोग मेंटेनेंस नहीं भरते हैं, तो ऐसे में वो 2,000-2,000, 3,000-3,000 एट अ टाइम कैसे निकाले। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक कंपनी ढूंढी, जिससे हमने ये EMI पे, मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे हम लोगों ने सीसी कैमराज लगवाने की बात की, तो वो लोग इंस्टॉलमेंट्स पे हम लोगों को लगा के देंगे। और ऐसे में हम लोग खुद पॉलिटिकल, मेरी माताजी MLA है, मेरे पिता ने बहुत टाइम तक सेवा की है हमारे शहर की, मेरी वाइफ नगर सेवक है, मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहा हूँ। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक मीटिंग कॉल किया हमारे सब नगर सेवकों का, जिसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि TOK के और BJP के कुछ नगर सेवक, जिनको जो मंथली भत्ता आता है कॉरपोरेशन से 10,000 रुपये महीना, तो वो अपने भत्ते से अपने वार्ड की सुरक्षा की तरफ वो खर्चा करें। और लगभग ये खुशी की बात है कि लगभग सभी ने माना है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने माना नहीं है। तो वो लोग अपने खर्चे पे, अपने भत्ते से EMI भर के अपने वार्डों की सुरक्षा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जगह है अभी जिसका इनॉग्रेशन हम नेहरू चौक और यहाँ से कर रहे हैं, वो TOK ने अपने खर्चे पे सीसी कैमराज लगवाई है, और जिसका कंट्रोल डायरेक्ट, जो कंट्रोल रूम होगा वो डायरेक्ट DCP ऑफिस में होगा। ओमी कालानी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? यस, क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। ओमी कालानी जी, ये जो कार्यक्रम आपने तय किया है नेहरू चौक और शिवाजी चौक, वो कौन से तारीख से है और कौन से टाइम से है, आप जरा शहरवासी को बताइए। ये 29 तारीख को, यानी संडे ये महीने के 29 तारीख को हम लोगों ने इसका इनॉग्रेशन रखा है। पहला नेहरू चौक पे रखा है, नेहरू चौक पे ही हम शिवाजी चौक पे जो कैमरास लगे हैं नेहरू चौक पे, हम उसका लाइव दिखाएंगे। और शाम के 5 बजे है मेरा सभी शहरवासियों से, सभी एसोसिएशन से, जितने भी व्यापारी एसोसिएशन है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, फोरम के मेंबर्स हैं, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, आम जनता को ये अपील है कि आप सभी ये कार्यक्रम में इन्वॉल्व हों और मेरी जो सोच है, मेरी सोच को थोड़ा और ताकत दें। आप लोगों का आना, मैं आपके, आप लोगों के आने से मैं थोड़ा और ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा, और जो भी कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। ओमी कालानी जी, आप ये बताइए कि जो ये जो काम हो रहा है आपकी तरफ से, आपने कहा कि हमारे जो नगर सेवक है, जो उनको जो पगार मिलती है उनके फंड से ये काम होगा, आपकी माता जी भी शहर की आमदार है, क्या ये काम उनके फंड से हो रहा है, उसके बारे में जरा हमें जानकारी देंगे शहरवासियों को? देखिए, मेरी माता जी आमदार है, जब से हम आमदार चुनकर आए हैं, वो Day 1 से लेके हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। ये जो आज जो प्रोजेक्ट मैं लेकर आ रहा हूँ, ये पिछले 3 साल पहले से मेरा कोशिश चालू था, जहाँ हम लोगों ने DCP से
उस वक्त के जो वसंत यादव साहब थे डीसीपी और जितने भी पीआई हैं, हम लोगों का जॉइंट मीटिंग हुआ। हम लोगों ने बहुत सारे हर चौक हर एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हम लोगों ने सब डिटेक्ट किए, एक प्रपोजल बनाया। प्रपोजल बना के जब हमने पुटअप किया कि आमदार निधि यहाँ पे 2 करोड़ का आमदार निधि हमारे शहर की सुरक्षा सीसी कैमरास की तरफ होना चाहिए, तो वो प्रपोजल रिजेक्ट होकर आया। वो रिजेक्ट होके आने के बाद हमने मतलब उनका ये बोलना था कि भाई ये प्रोविजन नहीं है कि आमदार निधि में हम सीसी कैमरा नहीं दे सकते। उसके बाद में जैसे कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, उसके बाद हमने ये बजट में भी हम लोगों ने ये प्रपोजल एक बजट रखा गया कि भाई कि सीसी कैमरा लगाए। वो भी जब नहीं हो पा रहा है तो तब जाके मैंने ये डिसीजन लिया कि सुरक्षित उल्लास में हम हमारे खुद उतरे आपस में। आपने हमने आपसे थाने सरकार न्यूज के माध्यम से मुलाकात की, आप शहर में नहीं थे, आपसे हमने फोन पे बात की, आपसे हमने मुलाकात की, आपने हमें इस बारे में इस विषय में हमें जानकारी दी। आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद ओमिक आनंद जी। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरी जो सोच है शहर के प्रति, आप एक माध्यम बन रहे हैं मेरी सोच को शहर को बताने।